सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड क्रिसमस आने वाला है एंड क्रिसमस सीजन इज हियर। तो ये वीडियो बाकी वीडियोस की तरह इंटरेस्टिंग तो होगी ही होगी, बट आल्सो ये वीडियो बहुत ही सीक्रेटिव होने वाली है। दिस क्रिसमस वी थॉट कि हम एक दूसरे के लिए कुछ स्पेशल करें, क्योंकि लाइक वी आर द काइंड ऑफ फ्रेंड्स ना कि लाइक जो एक दूसरे को ना मारपीट के प्यार दिखा देते हैं। गिफ्ट विफ्ट तो दूर की बात है, कभी हमने एक्सचेंज किए होंगे। वी डिसाइडेड टू प्ले सीक्रेट सांता। बहुत ही घटिया परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने के बाद वी हैव कम टू एन कंक्लूजन एंड आई एम गोइंग टू बी नंदिनी सीक्रेट सांता। मुझे मिला है रितिका का नाम, इसका मतलब मेरे को रितिका के लिए 3 गिफ्ट्स प्रिपेयर करने हैं। पलक का नाम है एंड शी इज अ रियली डिफिकल्ट पर्सन। लाइक अगर तुम उसको जानते नहीं हो तो तुम उसको कुछ जानते ही नहीं हो। और हमारे गिफ्ट्स को एक्सचेंज करने के लिए वी हैव डिसाइडेड ऑन 3 कैटेगरीज, व्हिच इज फर्स्ट वन इज स्किन केयर, सेकंड वन इज फेवरेट्स एंड द थर्ड वन इज समथिंग रिलेटेड टू चैनल। लाइक यार एंड में हमें भी तो अपना काम निकालना ही है ना इवेंचुअली। मुझे 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे से मैं नॉन स्टॉप लैपटॉप की स्क्रीन पे देखी जा रही हूँ अपने, एंड कर क्या रही हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग। कुछ नहीं समझ आ रहा, मतलब एक बार तो मेरे को सीरियसली पता ही लग रहा है कि इतनी शिद्दत से, इतनी डेडिकेशन से अगर मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई कर ली होती ना भाई गॉड, मैं कहीं और लेवल पे होती आज। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इसके लिए। Eternity later. Okay, तो मतलब लिटरली 3 दिन बाद मुझे एक गिफ्ट मिला है जिसका मुझे सीक्रेट सांता बनना है। ऑफ कोर्स यू नो द पर्सन। तो फाइनली मुझे एक लौती चीज़ मिली है एंड द प्राइस इज 199। देखो मैं दिखाती हूँ तुम्हें क्या चीज़ है वो। सो आई फाउंड दिस सेल्फी रिंग लाइट, रिचार्जेबल पोर्टेबल क्लिप, वॉट एवर, तुम समझ गए होगे यार ये क्या चीज़ है। अब देखो सीन क्या होता है ना, हम जब भी इंडोर शूट्स करते हैं ना तो हमेशा हमारा ये होता है कि लाइट का पंगा पड़ता है कि किस तरफ फेस करें, किस तरफ लाइट है। तो अब ये देखो रिचार्जेबल भी है पहली बात, ऊपर से मेरे बजट के अंदर भी है, एंड सेकंड ऑफ ऑल लाइट है जिसमें 3 degrees हैं, ब्राइट ब्राइटर ब्राइटेस्ट। सो आई थिंक दिस विल बी अ गुड गिफ्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ चैनल रिलेटेड। Meanwhile. सो यार फॉर द स्किन केयर, लाइक यार जहाँ तक मैं नंदिनी को जानती हूँ ना यार, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल है अपनी स्किन को लेके। लाइक शी डोंट यूज़ टू मच ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वो हर कोई ब्रांड को ट्राई नहीं करती। सो यार मुझे कुछ ढंग का ही ढूंढना पड़ेगा इसके लिए एंड इन द बजट। सो लेट्स सी कि मैं क्या ढूंढती हूँ, मैं थोड़ा सर्च करती हूँ, स्क्रॉल करती हूँ एंड देन डिसाइड करते हैं कि क्या लेना है उसके लिए कुछ। या लाइक फॉर स्किन केयर आई हैव सो मैनी ऑप्शन, लाइक सो मैनी ना, एंड बेस्ट थिंग इज दीज ऑल आर कॉम्बोज बट दे आर एक्चुअली आउट ऑफ माई बजट। सो या लेट्स फाइंड आउट समथिंग गुड फॉर हर। 6.5 hours later. घंटों की रिसर्च, आई हैव फाउंड अ परफेक्ट गिफ्ट फॉर हर, लाइक फॉर हर स्किन केयर, एंड इट्स क्वाइट अफोर्डेबल एंड इट्स आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने उसके लिए क्या खरीदा है। ओके सो मैंने डिसाइड करा है कि मैं उसके लिए ये खरीदूंगी। दिस इज खादी ऑर्गेनिक ट्रैवल किट एंड इट हैज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 समथिंग 6 प्रोडक्ट्स। तो मैंने ये गिफ्ट उसके लिए इसलिए चूज़ करा है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन ऑर्गेनिक स्किन केयर ट्रैवल किट एंड आई थिंक कि उसके आगे के ट्रैवल्स में ये किट उसके बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाली है। बट अगर मैं आपको एक्चुअल रीज़न बताऊँ, नंदिनी बहुत ही स्टूपिड है बट सुन ले, बिकॉज लाइक नंदिनी लाइक इज अ क्रेजी फैन ऑफ ये जवानी है दीवानी एंड वो बहुत टाइम से बात कर रही थी कि उसे मनाली जाना है, उसे ट्रिप पर जाना है एंड आई थिंक शी इज़ गोइंग टू प्लान द ट्रिप रियल सून। आई डोंट नो वेन बट रियल सून देखते हैं। सो या तो आई थिंक इट किट उसके तब काम आ जाए एंड अगर नहीं भी आती है तो बेब आई थिंक मेरी ट्रिप से इंस्पिरेशन लेके चली जाना, मैं गिफ्ट कर रही हूँ तुझे। सो यार दिस इज द रीजन। सो आई होप तुझे गिफ्ट पसंद आए। मैंने सोचा था इस बंदी को चॉकलेट्स कर दूँ गिफ्ट इन फेवरेट्स, बट देन फिर याद आया बंदी चॉकलेट्स भी नहीं खाती है, शी ओनली
ईट डार्क चॉकलेट्स, मतलब ये बहुत कड़वी है। कॉफी के पाउच भेज दो चलेगा, पानी में घोल के पी लियो, बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो मैंने तीनों चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं रितिका की, एंड देखते हैं कि उसको गिफ्ट्स पसंद आते हैं नहीं आते हैं। उसको क्या लगता है कि मेरा पैसा खर्च करना वर्थ इट था या नहीं था? बट इन कंक्लूजन, कंक्लूड करते हुए मैं ये बोलना चाहूँगी कि तीनों आइटम्स मेरे बजट के अंदर थी। तो फाइनली मैंने सारे गिफ्ट्स कर लिए हैं, चैनल रिलेटेड भी कर लिया है, मैंने पलक का फेवरेट भी कर लिया है, और मैंने उसकी स्किन रिलेटेड भी कर लिया है। एंड अब देखते हैं पलक को ये गिफ्ट पसंद आता है और वो गेस कर पाती है नहीं। एंड साथ ही साथ मैंने मैसेजेस भी डिकोड करके भेज दिए हैं, अब लेट्स सी क्या होने वाला है। वैसे पलक तुझे इस बार बहुत अच्छा सीक्रेट सैंटा मिला है, तो तुझे खुश होना चाहिए, ओके? यू शुड बी हैप्पी अबाउट दिस। तो यस, एंड आई एम फाइनली डन विद ऑल माई गिफ्ट, मैं उनको ऑर्डर भी कर चुकी हूँ। एंड लेट्स सी जब वो नंदनी के पास आएंगे तो उसका क्या रिएक्शन होता है। आई होप उसको सारे गिफ्ट पसंद आए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है यार ढूंढने में, लाइक मैंने एक्चुअली मैं अपना पूरा दिन लगा दिया इनको ढूंढने में, एंड ऑब्वियसली दिमाग भी। सो यस, आई होप उसको पसंद आए, बाकी देखते आगे। ओके सो गाइस, मेरे पास मेरे तीनों गिफ्ट्स आ चुके हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू ओपन देम। एक्चुअली दो तो ऑलरेडी ओपन आया है, मैं ये बोलना चाहूँगी अमेजोन बहुत ज़्यादा गिर चुका है हद तक कि उसने पैकेजिंग करनी भी इम्पोर्टेंट नहीं समझी, बट कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, यही हालत है। सो मेरा जो पहला गिफ्ट आया है विच इज़ अबाउट स्किन केयर, वो है ये हिमालया का फेस वॉश। एंड ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली इसे यूज़ करती हूँ एंड मेरे घर में ख़त्म भी होने वाला था, तो यस ये मेरे बहुत ही काम आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड आई एम रियली गोना यूज दिस रियल सून, जब मेरा वो ख़त्म हो जाएगा तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो थैंक यू फॉर दिस। एंड मेरा सेकेंड गिफ्ट है विच इज़ माई फेवरेट एंड विच इज़ दीज चॉकलेट्स। येस आई लव चॉकलेट सो मच, बट मैंने ना यार आज तक हर्शीज़ की ये वाली ट्राई नहीं करी। लाइक मैंने जब भी इन्हें देखती थी ना तो एकदम ये इलीट वाली फीलिंग देती थी मेरे को कि यार छोड़ो क्या करना है, बट अभी मैं इनको खा कर देखने वाली हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा वो है, मतलब मुझे ट्राई करनी थी एंड मुझे मिल गई, तो आई एम गोना डेफिनेटली गोना ट्राई दिस। ओके सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस नाउ। ओके सो दिस इज़ माई थर्ड गिफ्ट एंड मैं इसे निकालती हूँ, ये क्या है, ये ऐसा कुछ आया है। ओके आई थिंक आई कैन गेस कि ये क्या है, एक गिफ्ट तो यही होगा बबल रैप। ये है मेरा गिफ्ट, ओके मैं सीधा करके दिखा देती हूँ। ओके दिस इज सेल्फी रिंग लाइट, हाँ नाइस। ओके सो ये जो थर्ड गिफ्ट था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बिकॉज ना मतलब एज यू कैन सी मैंने भी ये सेम गिफ्ट दिया है नंदिनी को, तो इवन आई वॉज प्लानिंग टू बाय दिस फॉर मी फॉर माई सेल्फ एक्चुअली, क्योंकि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लाइक यार पता है लाइक फ़ोन के मोस्टली यही होता है सेल्फी टाइम में कि लाइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है व्हेनेवर वी शूट, तो ये चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो येस आई डेफिनेटली loved this gift. Okay, तो अब मेरे को अपने तीनों गिफ्ट रिसीव हो चुके हैं। माई गिफ्ट इज दिस बायोटेक का नीम फेस वॉश। ओके आई वॉज अ सोप यूजर, बट अब मेरे को लगता है कि मेरे को अपग्रेड होना पड़ेगा टू फेस वॉश। मिला है दिस चौकोस का पैक। आई एम लाइक सीरियसली बताऊँ, मैं बचपन में बहुत दूध के साथ चौकोस मिला के बहुत खाती थी हद वाले, क्योंकि कुछ होता नहीं था एंड कॉर्नफ्लेक्स वर नेवर माय कप ऑफ टी। सो आई यूज टू लव दिस क्योंकि ये बहुत टेस्टी होते थे एंड मैंने वो हनी लूप्स भी बहुत खाए हैं बचपन में, क्योंकि वो बहुत टेस्टी होते थे।
बट मैंने फिर उनको बड़े होके खाना छोड़ दिया क्योंकि ऑफकोर्स यू नो मैं मीठा कम खाती हूँ. तो अब मुझे पता नहीं मेरे को ये पसंद आएंगे नहीं आएंगे पसंद, आई डोंट नो. इसने मेरे को पूरा का पूरा पैक गिफ्ट कर दिया है जिसमें चॉकोज डुएट है, क्रंची क्रंची बाइट्स, बहुत वैरायटी है इसमें मेरे पास, मून एंड स्टार्स एंड ये तीन पैक्स चॉकोस के. आह इनको दूध के साथ मिलाने से अच्छा है ना मैं इनको कच्चे खा लूँगी, वो ज़्यादा मेरे को टेस्टी लगेंगे. कोई नहीं यार, एक हफ्ते के लिए मीठा मैं शुरू कर ही देती हूँ दोबारा से, बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी. एंड हाइड एंड सीख, जब तक ओरियो नहीं आया था ना ये मेरे टॉप फेवरेट हुआ करते थे हाइड एंड सीख. और गर्मियों के टाइम में जब इसकी चॉकलेट मेल्ट हो जाती है ना, इट फील्स लाइक हेवन सीरियसली. सो आई लव दिस सेकेंड गिफ्ट, मेरे को अच्छा लगा. देखो बेटा जो थोड़ा बादाम वादाम खा लिया करो, थोड़ा चीज़ें याद रख लिया करो. ओके आई एम गेटिंग इंसल्टेड. ओके सो द थिंग इज कि मैं भुलक्कड़ हूँ, बहुत गंदे वाली, बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाती हूँ. मेरे को रितिका नंदिनी कुछ भी बोलते हैं ना कि ये करा तूने बोला था ये, मेरे को याद नहीं है. मेरा मेन डायलॉग यही होता है, मेरे को याद नहीं है मैं भूल गई. ओके तो उसके चलते मेरे को ये फेस वॉश और ये चॉकोस तो मेरी याददाश्त वापस लाएंगे नहीं. तो उसमें मेरे सीक्रेट सांता ने अपना आइंस्टाइन वाला दिमाग लगा के मेरे को ये गिफ्ट किया है, मैग्नेट वाला पंच कार्ड होता है ना जो फ्रिज और दरवाजे पे लगाते हैं, मैग्नेट पकड़ा भी नहीं जा रहा है इतना वो है. एंड इट सेज पॉजिटिविटी इज अ चॉइस. ये कुछ और होता ना ज़्यादा अच्छा लगता है. मैं आई एम नॉट यूज टू ऑल दिस गुड कोट्स एंड एवरीथिंग, मेरे को पॉजिटिविटी की इतनी आदत नहीं है. सो लाइक मेरे को अब ये लग रहा है कि इस पे मैं अपनी चीज़ें लिख लिख के चिपकाऊंगी ताकि मेरी याददाश्त कमज़ोर ना हो और मेरे को चीज़ें याद रहें. लेट्स सी कि ये काम करता है मेरे लिए या नहीं काम करता, वो तो अब मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है. ऑफ कोर्स ही बात है, इससे क्या ही होगा है राइट. सो फर्स्ट जैसे मैंने दिखाया दिस रिंग लाइट, इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड एंड मतलब बहुत थॉटफुल गिफ्ट है ये. ये खादी का इनऑर्गेनिक, तो ये ट्रैवल किट है बेसिकली. तो अगर मैं फ्यूचर में ट्रैवल करने वाली शायद इसी चैनल पे कुछ देखने को मिल जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजिंग वाली है. बाकी मैंने खादी के प्रोडक्ट्स पहले भी यूज़ करे हैं एंड टू बी ऑनेस्ट आई रियली लाइक देयर प्रोडक्ट एंड ये अफोर्डेबल ऑप्शन भी होता है. तो इसके अंदर है ये खादी का ऑर्गेनिक पपाया सोप विच इज़ लाइक गुड फॉर आर स्किन. इसके साथ है एक और रोज वाटर सोप जो हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है एंड सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. एंड मैं अपनी स्किन को लेकर कुछ ज़्यादा ही वो हूँ, मैं कुछ भी जल्दी से अप्लाई नहीं करती हूँ, मैंने खादी यूज़ करा हुआ है. देन दिस इज समथिंग आमला काइंड ऑफ थिंग, और ये कुछ तुलसी एंड नीम का वॉश है. लाइक इसकी लाइक आई यू कांट बिलीव इसकी कितनी कितनी अच्छी स्मेल आ रही है ना मुझे. प्रेगनेंट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई थर्ड गिफ्ट, क्योंकि अभी मेरे पास दो आए हैं. तो मे बी दिस इज obviously this is related to skin care and this is related to our channel, so something my favorite is about to come. ab dekhte hain ki mujhe ye gifts kisne bhijwaye hain. 2000 years later, so finally mera last gift bhi aa gaya hai and ha isko thoda time laga but ye aa gaya hai. and mere attire ko leke ghasna mat kyunki main se jaldi ban ke rehti hu ghar mein, so this is the real me. to mera last gift aa gaya, I'm so excited टू वॉच दिस. लाइक मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे आया वो. ये मेरा लास्ट गिफ्ट है जो मेरे घर वालों ने खोला है मेरे पीछे से और मुझे लिटरली आइडिया नहीं है इसमें है क्या, ठीक है, क्योंकि मैं घर नहीं थी जब ये आया था, मैं रिसीव नहीं कर पाई थी. यार ये इतना थर्माकोल क्यों है, ये मुझे ना इसके लिए दोनों हाथों की जरूरत पड़ेगी. ओ दिस इज समथिंग
आई लाइक मे बी ये जो मेरा फेवरेट रिलेटेड है ये उसी में आया है एंड दिस इज अ कॉफी मग एंड जिसपे हैरी पॉटर बना हुआ है बहुत क्यूट सा एंड जो नहीं जानता हाँ मैंने हैरी पॉटर मतलब हाँ मैंने अभी रिसेंटली तो नहीं बोलूँगी मैंने बचपन देखी हुई थी पर मैंने दोबारा देखी क्योंकि मुझे बचपन की याद नहीं थी एंड मैं पागल हो गई लाइक मैं ऐसी ही थी मैंने कहा यार ये एक पार्ट था जो मैं भूल रही थी जो मुझे नहीं भूलना चाहिए तो दिस इज समथिंग गुड आई रियली लाइक दिस कॉफी मग एंड आई एम अ कॉफी पर्सन मतलब हाँ टीम चाय वाला फ्रेंड मत होना बट आई एम फ्रॉम टीम कॉफी तो दिस इज अ रियली नाइस गिफ्ट फॉर मी. The time of the year now, you got people falling in love. It brings you good cheer now.